हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि कोरोना एक बार फिर से भारत के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है, तो हम लोग हमारा पढ़ाई का कार्य जारी रखेंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी। नाम से जाहिर है, सोशल अर्थात सामाजिक और फार्मेसी यानी हम एज अ फार्मासिस्ट समाज के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। आपको याद हो, जब आप स्कूल्स में पढ़ा करते थे तो एक बात आती थी, एजुकेशन समाज उपयोगी है या केवल धन कमाने का एक साधन। संभव है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये लगता हो कि धन कमाने का साधन है, और ये है, क्योंकि हम धन के बिना कुछ नहीं होता। धन सब कुछ नहीं होता, लेकिन धन के बिना भी कुछ नहीं होता। लेकिन समाज को भी साथ में रखना पड़ता है। हमारे और उन लोगों के जिन्हें ज्ञान नहीं है, उनमें यही अंतर होता है कि हम समाज को कुछ ना कुछ देने का प्रयत्न करते हैं, इसीलिए हम महान कहे जाते हैं। सो फार्मासिस्ट समाज के लिए कैसे उपयोगी हो, इसके लिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर में एक एजुकेशन रेगुलेशन के तहत, जो नया एजुकेशन रेगुलेशन आया है, उसमें एक सब्जेक्ट जोड़ा गया है सोशल फार्मेसी। इसका चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। हम लोग इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी के अंदर एज पर द सिलेबस 3 पॉइंट्स हैं। पहला है सोशल फार्मेसी क्या है, उसके स्कोप्स क्या हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम उसे। दूसरा पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, किसने स्वास्थ्य को किस तरीके से डिटरमाइन किया है और किस इंडिकेशन से हमें पता लगे कि हम हेल्दी यानी स्वस्थ हैं। अगला पॉइंट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, भारत की हेल्थ पॉलिसी क्या कहती है या दुनिया की हेल्थ पॉलिसी क्या कहती है। हम इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे 1 by 1 इन वेरियस पार्ट्स। अभी तक जो हम लोगों ने एक SOP बनाई है कि पहले पार्ट में हम लोग डेफिनेशन और स्कोप की बात करेंगे कि सोशल फार्मेसी क्या है, इसके स्कोप क्या है, ये कैसे हमें हेल्प कर सकती है समाज की हेल्थ को बढ़ाने में, क्योंकि हम बैकबोन है इस हेल्थ सिस्टम की। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। सबसे पहले जब भी हम किसी नई चीज़ को सुनते हैं तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि वो क्या है। सो क्या है, सोशल फार्मेसी इज डिफाइंड एज अ साइंस विच डील्स विद सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। जिस तरीके से आप लोग साइंस की परिभाषाएं पढ़ते आए हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, उसी तरीके की परिभाषा कि एक ऐसी ब्रांच साइंस की जो कि फार्मेसी प्रोफेशन के सोशल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। यानी मैं अगर एक PHC में सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करूँ, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में हूँ, और एक वो जो CHC PHC होते हैं, प्राथमिक सामुदायिक केंद्र होते हैं गाँव में, तो वहाँ किस तरीके से कार्य करके समाज को यानी वहाँ के लोगों को उपयोगी साबित करूँ, अपनी वैल्यू बताऊँ, इसलिए तो वो हमें वैल्यू देंगे। सोशल फार्मेसी इज द मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब कई शाखाओं से जुड़ा हुआ है ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें हमें शिक्षा भी प्रदान करनी है और हमें ये भी देखना है, हम अगर गाँव में जाके इंग्लिश में बात करेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, तो उनसे जुड़ने के और उन्हें किसी तरह प्रभावित करने के लिए रिसर्च भी करनी है। दैट फोकस ऑन द रोल प्रोविज़न रेगुलेशन एंड यूज़ ऑफ मेडिसिन इन सोसाइटी। और हमें इस तरीके से काम करना है कि समाज को हम अपनी बात पहुंचा सकें, क्योंकि एक तबका ऐसा होगा जो टोटल इंग्लिश जानता होगा, एक तबका ऐसा होगा जो मिनिमम इंग्लिश जानता होगा, मैक्सिमम हिंदी जानता होगा, और एक तबका ऐसा होगा जो बुंदेलखंडी जानता होगा या अपनी रीजनल लैंग्वेज जानता होगा। तो हमें उन सब तक अपने पॉइंट्स पहुंचाने हैं और उन्हें हमारे पॉइंट समझ में आने चाहिए। लाइक कुछ नारे बने होते हैं, कोविड के लिए नारे बने हुए थे, पोलियो के लिए नारा बना था 2 बूंद जिंदगी का, ऐसा कुछ करके। सो सोशल फार्मेसी में बी डिफाइंड एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद द रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम सोशल साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। हमें समाज को भी फायदा पहुँचाना है, हमारे साइंटिफिक लिटरेचर को यानी मेरे जैसे लोगों ने जो चीज़ें बोली हैं उन्हें भी, और ह्यूमनिस्टिक हमारी कोई भी अभी जैसे कोविड की वैक्सीन आई, कोविड की वैक्सीन अगर ऐसी होती कि उसको हर दिन जाना है और कंटिन्यू 1 महीने तक इंजेक्शंस लगेंगे दोनों हाथों में, तो कैसा फील आता। तो लोग यही सोचते कि यार इससे अच्छा तो है कोविड हो जाए और ऊपर चले जाएं, क्योंकि वो मानवीय विचार नहीं होता। 30 दिन तक लगातार 60 इंजेक्शंस लगा दे रहे हैं लोग, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे अभी ARB में हो रहा है, ARB पहले से बहुत अच्छा हो गया है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। पहले 14 इंजेक्शंस लगा करते थे, अब 4 से 5 डोजेज़ हो गई हैं, लेकिन अभी भी परेशानी है। अभी भी डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं, कुछ और डेफिनेशंस हैं आप देख लीजिए। द ड्रग एंड मेडिसिन सेक्टर इज स्टडीड फ्रॉम द सोशल साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव्स
कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस में मैंने डेफिनेशन लिख रखी हैं, जो आपको समझ में आए वो देख लीजिए। सोशल फार्मेसी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मेडिसिन यूज सच एज मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड बिलीव्स एटीट्यूड्स रूल्स रिलेशनशिप्स एंड प्रोसेसेस। चूँकि जब कोविड आया तो बहुत सारे रिलीजियस थॉट्स भी लोगों में आए, तो हम लोगों को उन रिलीजियस थॉट्स को हर्ट ना करते हुए अपनी बात भी रखनी होती है। और सोशल फार्मेसी में भी डिफाइन एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद द रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द सोशल साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। अब देख लीजिए, जो आपको अच्छी लगे वो डेफिनेशन उठा लीजिए। अब बात करते हैं क्यों, क्या आवश्यकता है सोशल फार्मेसी की, कि हम इसको बार बार पढ़ें और इसको क्यों इतना दिमाग पे जोड़ें। तो ये वो सारी चीज़ें देखती है मेडिसिन से रिलेटेड जो हमें देखनी है सोशल माध्यम में या साइको सोशल माध्यम में। हमें लोगों से मेंटली भी जुड़ना है, क्योंकि कुछ लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, हम केवल उस डॉक्टर से ठीक होंगे या हम केवल उस दवाई से ठीक होंगे। तो जब आप मेडिकल स्टोर भी खोलने जाएंगे डी फार्मा करके, सबसे प्राइमरी आपका, या कम्युनिटी हेल्थ में काम कर रहे होंगे, तो आपको लोगों को ये बिलीव दिलाना होगा कि नहीं नहीं, ये जो अल्प्रा जेड करके जो गोली है, इस गोली के ही सापेक्ष में हम जो आपको दे रहे हैं वो बस नाम दूसरा है, सॉल्ट वही है। इस तरीके का आपको कुछ तरह से उन्हें फ़ायदा देना, और इकोनॉमिकली भी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्प्राजेड करके कोई ब्रांड नेम होगा, अल्प्राजेड इज़ नॉट अ ब्रांड नेम, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ। वो हो सकता है 60 रुपए की एक टैबलेट पड़ रही हो और उसी में जेनरिक में 6 रुपए की पड़ रही हो, तो आपको उन्हें ये चीज़ें भी बतानी हैं। सोशल फार्मेसी इनेबल्स द फार्मेसी प्रोफेशन टू एक्ट एंड टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इट्स फुल स्कोप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन इन द सोसाइटी। हम लाख उतार दें दवाइयाँ, मैं रिसर्च करूँ और फील्ड में उतार दूँ, हर साल एमफार्म वाले रिसर्च करते हैं, कुछ ना कुछ नया उतार देते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाता फील्ड में। वो कैसे आएगा फील्ड में, जब लोगों पे उसका बिलीव आएगा। जैसे कोविड में क्या हुआ था, एक बिलीव बन गया था कि डोलो 500 या डोलो 650 खाना ही खाना है, तो वो एक मेंटली बिलीव बन गया था। तो उस तरीके का मेंटल बिलीव बनाना है। सोशल फार्मेसी कैन असिस्ट एनीवन हु वांट्स टू यूज़ अ साइंटिफिक अप्रोच टू डिस्क्राइब एक्सप्लेन अंडरस्टैंड एंड चेंज प्रैक्टिस। अभी क्या चल रहा है, अभी डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं, वो उन्हें दवाइयाँ लिख देते हैं जिसका उन्हें अधिकार नहीं है, और आपके पास वो आता है, डॉक्टर का कमीशन आपसे फिक्स होता है, वो प्राइमरी ऊपर रहता है, आप वो दवाइयाँ देते हो, पेशेंट चला जाता है। हमें क्या करना है, हमें इस सोच को बदलना है, सिस्टम को अगर बदलना है तो हमें इन चीज़ों को डीपली पढ़ना पड़ेगा और कुछ नया करके आना पड़ेगा। सोशल फार्मेसीज ऑफर्स बेनिफिट्स टू रिसर्चर्स पॉलिसी मेकर्स एंड फार्मासिस्ट एज वेल एज अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अभी आपने देखा हो कुछ कैंप्स लगते हैं हेल्थ रिलेटेड, लोगों को जागरूकता अभियान चलाया जाता है, कोरोना के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, उसमें फार्मासिस्ट का इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रोल होता है, तो वो आपको सोशल फार्मेसी से ही समझ आएगा। सोशल फार्मेसी से ही आप समझेंगे कि सोशल पॉलिटिक्स और पब्लिक हेल्थ के इशूज़ में क्या कमी है। सोशल फार्मेसी ही फार्मेसी प्रैक्टिस में आपका रोल बढ़ाएगी। अगर आप इस बुक को और इस लिटरेचर को पढ़ के अपने आप को एवेल्युएट कर लोगे, तो आप एक प्रोफेशनल पर्सन बन के निकल के आओगे जो शायद डॉक्टर्स पे ऊपर जा पाए, क्योंकि डॉक्टर क्या कर रहा है, अभी डायरेक्टली लोगों से जुड़ रहा है, वो लोगों को उनकी रीजनल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये काम फार्मासिस्ट करने लगेगा तो लोगों का बिलीव चेंज होकर फार्मासिस्ट के एंड पर आ जाएगा। सोशल फार्मेसी रिसर्च इज हेल्पफुल टू इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन एंड थीम्स कंसर्निंग फार्मेसी प्रैक्टिस एंड मेडिसिनल यूज। चलिए, अब हमारा रोल इस पब्लिक हेल्थ में कैसे बने। तो फार्मेसी क्या है, एक सबसे ज़रूरी पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का, जिसे इस समय दबा कर रखा हुआ है कथित हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के द्वारा या हेल्थ सिस्टम के द्वारा। द फार्मासिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द फॉलोइंग रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पब्लिक हेल्थ। आपको किसी तरह कोशिश करनी है कि आप ये रोल अपने देखें। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि पेशेंट को जो मेडिसिन पहुँच रही हैं वो सही क्वालिटी की हो। यदि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यदि आपको ये जानकारी है कि ये मेफ्टाल करके एक ड्रग अभी जो ADR में आ रही है वो 4 साल से पहले के बच्चों को नहीं देनी है, इस तरीके से चीज़ें आप अपने दिमाग में रखें। और आप पेशेंट को अगर ये बात डालेंगे ना कि ये मेफ्टाल जो आपके 6 महीने के बच्चे के लिए लिख दी है डॉक्टर ने, ये नहीं लिखनी थी, तो थोड़ा सा उसका बिलीव डगमगाएगा। लेकिन आपको पहले खुद क्लियर होना पड़ेगा, खुद के थॉट्स को लिखने पड़ेंगे। ही सॉट रिकॉर्ड द इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज़ इन देयर कम्युनिटी। आपको ये भी देखना है कि कोविड तो चल ही रहा है, लेकिन क्या कोविड के साथ निमोनिया भी चल रहा है, और इस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड करके आपको अपना एक अलग प्रोफाइल बनाना पड़ेगा और उस प्रोफाइल को मेंटेन करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना। ही शुड आइडेंटिफाई द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इफ एनी एंड रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज़।
आपको साथ में ये भी देखना है। अभी जो बात आई, शायद आप लोग अगर इतने जागरूक होंगे तो मेफ्टाल का सबने अपने स्टेटस पर लगा रखा था, तो ये आपकी जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है। आप सोसाइटी के लिए ही फ़ायदा कर रहे हो, उस स्टेटस को लगाने से आपको पैसा नहीं मिला लेकिन आपने लगाया एज अ फार्मासिस्ट। ही शुड इंश्योर दैट द सप्लाई ऑफ मेडिसिन इज़ एज पर द लॉज। और उसको ये भी ध्यान रखना है, लाइक एक पॉइंट आता है कि कुछ दवाइयाँ बैन होती हैं लेकिन फिर भी बिक रही होती हैं, तो लॉज के अकॉर्डिंग उसे दवाइयों को बेचना है। ही शुड इंश्योर द मेडिसिन प्रेस्क्राइब टू द पेशेंट्स आर सूटेबल। उसे डॉक्टर्स ने पूछा अथवा ना पूछा, एक छोटी सी कंडीशन, एक प्रेग्नेंट वूमेन डॉक्टर के पास गई, उसने डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया बिना पूछे वगैरह और भेज दिया मेडिसिन होल्डर के पास, यानी आपके पास मेडिकल स्टोर के पास, तो आपको उसकी काउंसलिंग ज़रूर करनी है कि आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो आपको ये जो दवाइयाँ दी जा रही हैं ये किसी तरह से अफेक्ट तो नहीं करेंगी, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन आप तब पता लग पाएंगे जब आप डी फार्मा सही से पढ़ के आए होंगे, ना कि पास होने के लिए। ही शुड काउंसल द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वेरियस डिजीज टू द पेशेंट। साथ में उसे कोशिश करनी है कि एक्सटर्नली वो कितना फ़ायदा दे सकता है। ही शुड एडवाइज द पेशेंट अबाउट हाउ टू टेक मेडिसिन एंड आंसरिंग द पेशेंट क्वेश्चन विद ड्यू केयर। अभी मैं जिस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ उस संस्थान में एक छोटा सा जागरूकता का ड्रामा या नाटक हुआ था। उस नाटक में क्या था कि एक उन लोगों ने इस तरीके से उसे फॉलो किया कि एक बिना डिग्रीधारी मेडिकल स्टोर खोल के बैठा था, एक बूढ़ा आदमी गया, उसने पूछा भाई साहब बता दो कि ये गोलियाँ कैसे खानी हैं। चूँकि वो अनडिग्रीधारी था अर्थात आपकी तरह प्रोफेशनल नहीं था, उसे सोशल फार्मेसी नहीं पढ़ाया गया था, वो बोला बब्बा दिल देख लो और खाली हो जाए ऐसी खाने जाए ऐसी खाने, शुद्ध बुंदेलखंडी उस नाटक के हिसाब से, और मैं भी बुंदेलखंड से। लेकिन वहाँ अगर फार्मासिस्ट होता तो वो किसी तरह से बब्बा को समझाने की, बूढ़े आदमी को समझाने की कोशिश करता। उन्हें कैसे समझाना होता है, ये पीली वाली सुबह खानी है, ये लाल वाली दोपहर में खानी है, ये खाना के बाद खानी है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। ही शुड एडवाइस सॉरी 8 पॉइंट, अ फार्मासिस्ट कैन बी इन्वॉल्व इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज इन मैनी वेज। हम कोविड को ट्रीट ना करें तब भी कैसे हम सही कर सकते हैं, हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आएँ, हम अवेयरनेस प्रोग्राम बनाएँ, अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना के कोविड से अवेयर करने की कोशिश करें, ठीक। चूँकि अभी क्या मैंटेलिटी थी, मैं एक डॉक्टर से दवाई लेके आया और वो डॉक्टर निकला कोविड पॉजिटिव, तो लोग अपने अपने घर में दब के बैठ गए थे। उन्हें ये लग रहा था कि अगर हमने कोविड टेस्ट करा लिया तो हमारे साथ अमानवीय व्यवहार होगा, तो आपको लोगों को जागरूक करना है। 9th पॉइंट, अ फार्मासिस्ट शुड बी इन्वॉल्व इन द हेल्थ एजुकेशन टू पब्लिक रिगार्डिंग द टॉपिक्स सच एज एक्सरसाइज, हेल्थ न्यूट्रिशन, टोबैको सेसेशन, डेडिकेशन प्रोग्राम्स। आपको इन सारे प्रोग्राम्स के थ्रू भी लोगों को जागरूक करना है कि उन्हें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उन्हें किस तरह से खाना खाना चाहिए, उन्हें तमाकू छोड़नी चाहिए। अ फार्मासिस्ट कैन 10th पॉइंट, अ फार्मासिस्ट कैन वर्क विद अदर मेडिकल प्रोफेशनल टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम विच इज़ टूडेज नीड, क्योंकि हमारे भारत में इस समय जनसंख्या विस्फोट हो रखा है, ठीक। इस लेक्चर में इतना ही, हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन लेक्चर रखा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और हम अगले कुछ लेक्चर्स में उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।